इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि लोअर पीसीएस में सामान्य अध्ययन में भूगोल कैसे पढ़े, उस भूगोल का आपका कहीं ना कहीं वैकल्पिक विषय में भी एक बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा आने वाले समय में, अगर आप पीटी आराम से क्लियर कर लेते हैं, जिसे आप प्री एग्जाम कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग गणित में क्या क्या पढ़ना है। देखिए गणित लोअर पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर जब सिलेक्शन की बात आती है तो पॉइंट में मेरिट बनती है, तो वहां पे उन नंबरों के भी एक महत्वपूर्ण एक अहम योगदान होते हैं। इसलिए हम सभी साथी को आपको इस बात को जरा सा भी नहीं नकारना है कि गणित हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि गणित और रीजनिंग से मिला के अगर लोअर पीसीएस के 5 से 7 वर्षों के अगर पेपर का अध्ययन करें आप, जैसा कि मैंने किया, तो एक बात सामने आती है कि दोनों को मिलाकर कम से कम प्रतिवर्ष 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही साथ हमने एक बात और बताया है, हम लोअर पीसीएस साथ साथ अपर पीसीएस भी पढ़ते चल रहे हैं, इसी के पैरेलल हम लोग पढ़ते चल रहे हैं लोअर पीसीएस के ही पैरेलल। तो अगर हमें अपर पीसीएस देना हुआ तो सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर के नाम से जाना जाता है, वह केवल क्वालिफाइंग होता है 33% के लिए, वहां 2 पेपर होते हैं, किंतु लोअर पीसीएस में केवल पीटी में प्री एग्जाम में केवल एक ही पेपर होगा। कितने पेपर? केवल एक पेपर होंगे, तो यहाँ पे एक पेपर, यहाँ पे 2 पेपर, तो यहाँ पे भी गणित और रीजनिंग 15 से 20 और यहाँ पे तो 20 से 30 की लगभग संख्या पूछी जाती प्रतिवर्ष। कहने मतलब गणित और रीजनिंग अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अब आते हैं गणित में क्या क्या पढ़ना है। देखिए गणित आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कब? जब सिलेक्शन की बात आती है। और एक बात याद रखिएगा, जब पीसीएस की मेंस होती है उसमें जो सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं वहां पे भी गणित के प्रश्न आए हैं कुछ, ठीक, रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे पास है, मैं आपको पेपर जब आप जुड़ेंगे तो मैं धीरे धीरे जब कराऊं क्वेश्चन तो मैं उस पेपर को भी आपको दिखाऊंगा। तो आप सभी साथियों को हम बताना चाहेंगे 15 से 20 नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण एक एक नंबर होते हैं, इसलिए इसे इग्नोर करना छोड़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा? टेढ़े खीर के समान हो जाएगा। तो गणित जब पढ़ना है तो वहां पे जो गणित आती है वो थोड़ा सा इजी टाइप का होता है। इजी आपको परसेंटेज पढ़ना है, बट्टा पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़नी है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़नी है, अनुपात पढ़ना है, समानुपात पढ़ना है, एकिक नियम पढ़ना है और सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी से प्रतिवर्ष क्वेश्चन आते हैं, डीआई पढ़ना है, डीआई से कभी कभी देखिए 5-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं और अलजेब्रा के भी क्वेश्चन आते हैं, समांतर श्रेणी के भी प्रश्न आते हैं, जिसका हम रीजनिंग में भी पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, और छोटे बड़े सवाल मिलाकर संख्या पद्धति से भी रहते हैं। तो कहने मतलब कि इसके गणित में बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं रहते हैं, चाल समय दूरी भी रहते हैं, काल समय भी रहता है। तो कहने का मतलब आप सारे अध्याय तो रहते हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अध्याय ऐसे हैं जो पीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के लिए, जहां से प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका परसेंटेज का अध्याय है। परसेंटेज का परसेंटेज पढ़ लेंगे, उसके पहले परसेंटेज पढ़ेंगे तो 5 अध्याय क्लियर होगा, प्रतिशतता, फिर लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये 5 अध्याय आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ 5 अध्याय के साथ साथ आपको सेकंड मैथ ज्यामिति थोड़ी सी पढ़नी होगी। ज्यामिति में भी यहाँ से जो आते हैं वो आपके जो प्रश्न होते हैं वो क्षेत्रामिति से हो जाते हैं, मेंसुरेशन जिसे आप कहते हैं वहां से पूछे जाते हैं, बाकी रेखाओं से यहाँ प्रश्न नहीं आते। और फिर रीजनिंग पढ़ना है, तो रीजनिंग के लिए हम एक दिन पूरी वीडियो बनाएंगे, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो आप सभी साथी अगर आप मैथ मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप सब कमर कस लीजिए, मैं आपके लिए मैथमेटिक्स की वीडियोज और जियोग्राफी ये दोनों पैरेलल में लेकर आऊंगा, और आप सभी साथ दीजिए क्योंकि अब अगर आपको नियुक्ति लेना है, क्योंकि मुझे अपना कर्म करना है, आपको अपना कर्म करना है, फल देना ना देना ये आपके मेहनत और किस्मत पे होता है। तो हम अगर मेहनत ना करें, कर्म ना करें, तो फिर सफलता का हम तक पहुंचना, नजदीक आना काफी समय ले लेगा या कभी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि हम लोग बताते हैं ना कि हमारे हाथ की जो रेखाएं होती हैं इस पे नसीब लिखी है, लेकिन उसकी पहले उंगलियां हैं, पहले हमें काम करना है, अपना काम करेंगे उसके बाद इनका काम आएगा। इसलिए हम आपको इस समय अपने जिंदगी का बेस्ट देना है। यदि आप अपने जिंदगी की बात छोड़िए, आप अपने एक दिन का 24 घंटे का अगर 8 घंटा आप मुझे मत दीजिए, अपने आप को इस परीक्षा के लिए दीजिए, क्योंकि इस परीक्षा को होने में 3 से 4 महीने का समय है। कारण क्या है कि लगभग अभी इस फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर आगामी चुनाव है, तो चुनाव के बाद ही परीक्षा संपन्न हो पाएगी, उसके बाद अपर पीसीएस। तो मतलब इस परीक्षा के जो होना है
या आपके पास 4 से 5 महीने का ड्यूरेशन, 4 से 5 महीने का समय बचता है, इस दौरान अगर आप चाहेंगे तो आप अपने आप को पूरी तरह से बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर लेंगे, और वह तैयारी आप कितनी बेहतर, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप लोअर और अपर देते देते अपने आप में यह आत्मविश्वास ला लेंगे कि आप अब सफलता, आपसे सफलता आप दूर नहीं है, चंद कदम का आप और आपकी सफलता के बीच फासला है। जिस दिन यह दिल से आवाज आ गई उस दिन आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। कारण क्या है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना सबसे जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आप सब तैयार हो जाइए और मैं आपके साथ भी पूरी तरीके से पूरे मनोयोग के साथ आप प्रिपेयर करिए और बाहरी दुनिया से छोड़कर बस केवल केवल जिंदगी का एक एम बनाइए सफलता, और उस एम पे आगे बढ़िए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। क्योंकि मेरे साथ जुड़कर बहुत सारे स्पेशलिस्ट, हर सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट टीचर हैं, मैं उनके माध्यम से आपको गाइड कराऊंगा और साथ ही साथ मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे सामान्य अध्ययन के सभी विषयों में एक अच्छी कमांड है, लेकिन फिर भी मैं केवल 2 ही विषय को लेकर चलूंगा, बाकी इसके अलग अलग स्पेशलिस्ट पढ़ाएंगे। हाँ, जब टेस्ट पेपर की बात आएगी, डिस्क्राइब करने की बात आएगी, तो मैं आके आपको गाइड करता रहूंगा, डिफाइन करता रहूंगा, क्योंकि यह संस्था जो थी वो हमारे छोटे भाई मनीष जसवाल थी और उसी को आगे बढ़ाएंगे, और अमित सर, इन दोनों के माध्यम संस्थाओं आगे बढ़ती रहेगी। और जहां तक मैं जब तक यहाँ पढ़ा रहा हूँ तब तक उनके चैनल पे मैं पढ़ाता रहूंगा। हाँ, बनारस शुरुआत मैंने किया था, लेकिन अब इसकी दामोदारी उन सबके ऊपर है, लेकिन मैं आपके साथ था, हूँ और रहूंगा। बस आप अपनी जिंदगी का कुछ 8 घंटे, कुछ जो बहुमूल्य वक्त है, यह कुछ दिन अपने भविष्य को दे दीजिए और आपका भविष्य मुझे लगता है बेहतर हो जाएगा, और शायद आपको भी लगता होगा। बस 1 महीने आप 8 घंटे निकाल के पढ़ लीजिए, फिर आपको खुद से फीलिंग आएगी कि आप सफल हो सकते हैं, सफलता आपसे चंद कदम ही दूर है। चलिए दोस्तों, आप सब फॉर्म भी आज से भरा जाना शुरू हो गया, आप सब फॉर्म भरिएगा, उसके बाद तुरंत पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास एक लंबा वक्त है, उस वक्त का हमें इंतजार नहीं करना है। पढ़ना कब है, पढ़ना शुरू कर दीजिए कल से ही, और हम आपके साथ हैं। और किताबों का जो संग्रह लेना है मैं आपको बताता रहूंगा, बाकी मेरे नोट्स आपको मिलते रहेंगे, और उस नोट्स और कुछ किताबों के सहारे आप अपने भविष्य पे पुनः चार चांद लगा देंगे। फिर एक डायलॉग आपको याद होगा, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। खेत में जो रहता है आप जानते हैं। अब ये कहा जाए बैल से रेस कराई जाए और घोड़े से खेत जोतवा जाए, दोनों इम्पॉसिबल है। इसलिए आप रेस के घोड़े हैं और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आप लोग खेत से निकलिए और रेस में आइए, और जब रेस में आएंगे तभी आप विजयी होंगे, विजेता होंगे। आपके अंदर की जो काबिलियत है वो बाहर आएगी। अभी आप खेत में, इसलिए आपकी काबिलियत छुपी हुई है। जैसे आप रेस में आएंगे आप मुझसे भी तेज और अन्य सभी अभ्यर्थियों से तेज दौड़ेंगे, ये आपको भरोसा होगा, ये मुझे भी भरोसा है। इसलिए आप सभी दीवार को तोड़िए, अंतरात्मा को सुनिए और अपने जिंदगी का बेस्ट दीजिए, आप सफल जरूर होंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेर शुभकामनाएं। अब फॉर्म भरते समय अपनी विशेष बातों का ध्यान दीजिएगा। कल मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि लोअर पीसीएस का फॉर्म कैसे भरना है, और फॉर्म भरने के बाद आप सब जुड़ जाइए अपने मिशन 2019 पे, ताकि इसी वर्ष आप अपने जिंदगी के उस उच्चतम मुकाम में पहुंच जाइए जिसकी आपने सोचा है, जिसके लिए आपने अपने मन में विचार किया है। आपको मेरे और आपके पूरे परिवार की तरफ से 150 शुभकामनाएं, क्योंकि आपका परिवार भी चाहता है आप सफल हो। इसलिए आप अपने दोगुने ताकत के साथ लग जाइए, सफलता झकमार कर आपके पीछे आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।